जैसा कि आप सब जानते हैं कि चांसलर पोर्टल द्वारा बीए बीकॉम ऑनर्स और जनरल कोर्सेज में 2021-24 के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जा चुका है। तो जेकेएस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जेकेएस कॉलेज के वेबसाइट पर जाना होगा। jkscollege.ac.in पर जाकर आप दो लिंक आपको मिल जाएगा, एक ऑनलाइन एडमिशन इन बीए बीकॉम का डायरेक्ट लिंक जो रेड कलर के बटन में यहाँ पे दिया गया है, उससे आप डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन एडमिशन जो कि ऊपर में लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके और लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जा सकते हैं। तो हम लोग इस बटन को क्लिक करके भी देख लेते हैं। यहाँ आपको चांसलर पोर्टल से मिले हुए एप्लीकेशन नंबर को इनपुट करना है, जिसका कि ये फॉर्मेट है, और उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रेडी रखना होगा। उसकी लिस्ट यहाँ दी गई है, जैसे कि आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो का स्कैन कॉपी, जिसकी डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर और मैक्स फाइल साइज 100 KB है, उसे रेडी रखना होगा। आपको अपने एक सिग्नेचर का स्कैन कॉपी, जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर और मैक्स फाइल साइज 20 KB है, उसे भी रेडी रखना होगा। और अपने इंटरमीडिएट के मार्कशीट की एक स्कैन कॉपी आपको अपने साथ रेडी रखनी होगी, जिसकी मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB है। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर इनपुट करते हैं। यहाँ पर मैं अपना डेमो एप्लीकेशन नंबर यूज़ कर रहा हूँ। फाइंड पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा। वेरीफाई पर क्लिक करके ऑनलाइन एडमिशन वाले पेज पर आप चले आएंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने चांसलर पोर्टल पर भरा है, उसमें से बहुत सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक इस पर फिल आएगी। आपको सिर्फ एक बार उसे रीचेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। जो डिटेल्स नहीं भरी है उनको आपको भरना है, जैसे रिलीजन को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कास्ट भरी हुई है, मैरिटल स्टेटस आपने भरना है, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे इनपुट करना है। फादर्स नेम ऑलरेडी आ रही है, आपको अपने मदर्स नेम को यहाँ इनपुट करना है। लोकल गार्जियन नेम अगर कोई है तो ठीक, अदरवाइज आप अपने फादर नेम को यहाँ यूज कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर पहले से फिल है, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस आपका, परमानेंट एड्रेस अगर आपके लोकल एड्रेस से अलग है तो आप उसे यहाँ इंटर करेंगे, अदरवाइज सेम एज अबव चेकबॉक्स पे चेक करते ही लोकल एड्रेस ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। प्रीवियस स्कूल कॉलेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप इनपुट करेंगे, प्रीवियस क्लास, प्रीवियस रोल नंबर, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू आपको कुछ देर के बाद में अगले पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स इनपुट करनी होगी। यहाँ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट वाली इंफॉर्मेशंस को आपने भरना जरूरी है, ये एस्टिक मार्क की हुई है, यानी कि ये मैंडेटरी फील्ड है। मार्क्स ऑब्टेंड में आपको यहाँ पे मार्क्स का परसेंटेज डालना है,
और आपने ध्यान रखना है कि आपको परसेंटेज के साइन का यूज नहीं करना है, आप सिर्फ नंबर इनपुट करेंगे। इंटरमीडिएट का भी डिटेल फिल कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू, इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है और ये भी रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज पर जहां आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट की मार्कशीट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। मैंने यहां पे पहले से डेमो मार्कशीट और फोटो सिग्नेचर रेडी रखा है, तो मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं, फोटो अपलोड कर लेते हैं और सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है और कुछ देर वेट करना होगा क्योंकि तीन फाइल्स अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है। आपको यहाँ पर ब्राउजर का बैक या रिफ्रेश बटन प्रेस नहीं करना है। सभी फाइल्स अपलोड होने के बाद में ये आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ आप अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं। फी अमाउंट यहाँ आ रहा है और स्टेटस अनपेड है क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके अपने पेमेंट का मोड क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, UPI अभी अनअवेलेबल है, आप कार्ड सेलेक्ट करके और कार्ड टाइप सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। पेमेंट गेटवे का पेज आ गया है, यहाँ पे आपको कार्ड सेलेक्ट करके नेम ऑन कार्ड, अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV इंटर करके पे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके मोबाइल पर बैंक के थ्रू एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के आप ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना है या बैक बटन प्रेस नहीं करना है। ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन के बाद में आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा और आप यहां से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखिए यहां पर आपका स्टेटस पेड आ गया और ट्रांजेक्शन की अदर डिटेल्स जो है वो यहां पर अब शो हो रही है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, आप अगर अपने घर से फॉर्म भर रहे हैं या किसी नज़दीक के साइबर कैफे से भर रहे हैं तो वहाँ भी ऑपरेटर से ये कहें कि एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने से पहले उसे स्केल कर लें। अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट दो पेज में आता है तो उसे एक पेज में एडजस्ट करने के लिए कस्टम स्केलिंग में 70% स्केल का यूज़ करके उसे प्रिंट करें। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आप भी इसकी एक PDF कॉपी सेव कर सकते हैं जिससे कि आप बाद में उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ऑनलाइन एडमिशन की पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप JKS कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में कॉलेज के ऑफिस में जमा करा सकते हैं। थैंक यू।